हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे सांभर मसाला, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सांभर मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी साबुत धनिया, दो चम्मच उड़द दाल, दो चम्मच चना दाल, 15 से 16 लाल मिर्च, 20 से 25 करी पत्ता, एक चम्मच राई और एक चम्मच नमक, दो चम्मच जीरा, एक चम्मच काली मिर्च, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच चावल और एक चम्मच मेथी के दाने, थोड़ी सी ही। यहाँ पे मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए डाल दिया है। तो अब कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे धनिया, जीरा और राई। अब हम इसे लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे लगातार चलाते हुए। तो अब 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। गैस को हम धीमी ही रखेंगे और इसमें हम डालेंगे चना दाल और उड़द दाल और चावल और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो अब 3 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च और मेथी के दाने और इसे हम लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। तो अब 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे करी पत्ता और इसे हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को ठंडा होने देंगे। तो अब ये ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे एक मिक्सिंग के जार में डाल लेंगे। तो मैंने इसे एक जार में निकाल लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च, हींग डाल देंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के पूरे 1.5 से 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से सांभर मसाला बनाकर ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।